केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को कोरोना टेस्ट के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। इस मोबाइल लैब को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। यह हर दिन 25 RT-PCR टेस्ट तो वहीं 300 ELISA टेस्ट कर सकती है। मोबाइल लैब की मदद से गांवों कस्बों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों को ट्रैक और ट्रेस करने में तेजी आएगी। हालांकि इसमें अहम यह है कि ऐसे कितने लैब तैनात होते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत ने कोरोना टेस्टिंग की लड़ाई 1 फरवरी को एक लैब से शुरू की थी, पर आज देश भर में करीब 953 लैब हैं, जिनमें से 699 सरकारी लैब हैं।